हमारा कल तक क्या हुआ था ये बताएगा, पोर्शन लास्ट पोर्शन टॉपिक क्या हुआ था हमारा, भूल गए? व्हाट्स द लास्ट पॉइंट डिस्कस लेट अस डिस्कस यस्टरडे? कैन एनी वन आंसर मी व्हाट इज सिमेट्री इंटीरियर डिजाइन में या किसी भी डिजाइन में? सिमेट्री इम्पोर्टेंट होती है, व्हाई दैट सिमेट्री इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज द सिमेट्री? Are you able to listen me? Do you want me to explain this? What is symmetry? Yes, ma'am. Yeah, who's there? ओके तो बिल्कुल हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग है या फिर वास्तु है, इसमें सिमेट्री का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब भी हम कोई भी बिल्डिंग है या प्लॉट है उसका अगर हम देखते हैं कि कहीं से कुछ रिडक्शन हुआ है, मतलब कुछ कट है या फिर एक्सटेंशन है, तो उसमें क्या होता है, पूरी वो जो है वास्तु की सिमेट्री बिगड़ जाती है। व्हाट व्हाट हैपन्स अगर सिमेट्री बिगड़ती है, हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जो भी नेचर का जो भी क्रिएशन है, नेचुरल जो भी आता है उसमें सब में सिमेट्री है। यू नो हमारे दोनों आंखें हैं बिल्कुल सिमेट्रिकल है कि नहीं, ऐसे नहीं है एक आंख छोटी है एक बड़ी है, एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसे है क्या? हेलो? नो मैम। नो, हमारे दोनों हाथ है, सपोज हमारा एक पैर है वो छोटा है, लंबा है ज्यादा, और दूसरा है बिल्कुल उससे शॉर्ट है, तो हम चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे, राइट? तो ये नेचर ने ही हर एक क्रिएशन में सिमेट्री तैयार है। एवरी नेचुरल क्रिएशन इज विथ सिमेट्री एंड रिदम इन इट, उसमें एक रिदम होता है। जैसे हम चलते हैं तो हैव यू ऑब्जर्व कि ऑटोमेटिकली और जो हमारे पैर है उसमें एक रिदम क्रिएट होता है और हमारी स्पीड फिर बढ़ जाती है। तो सिमेट्री रिदम अलायंस आर वेरी इम्पोर्टेंट वेन एवर अवर लाइफ इज रिलेटेड एंड वेन एवर वास्तु इज ऑल्सो कनेक्टेड या इंटीरियर डिजाइन में भी सिमेट्री होनी चाहिए। गॉट इट? समझ में आ गया? यस मैम। यस यस मैम। तो आपको आपको ये ऑब्जर्वेशन लाइफ में बढ़ानी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर करते हैं बट जितना भी आप देखो तो हर एक चीज में आपको सिमेट्री नजर आएगी। जैसे डे एंड नाइट है, हस्बैंड वाइफ है, यू नो देयर इज डुअलिटी वहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना, दो चीजों से वो चीज एक बन जाती है। दोनों हाथ है, दो पैर है, दो आंखें है, दो कान है, लेकिन ब्रीदिंग के लिए हमें एक इनफ है। दैट्स व्हाई ये नेचर की क्रिएशन है और ये हर एक चीज में वी कैन सी दैट रिफ्लेक्शन। ओके, तो ऐसे अगर वास्तु में अगर सिमेट्री बिगड़ जाती है, जैसे अभी एक डायरेक्शन एक जो है कॉर्नर है वो एक्सटेंड हो गया और एक है उसका जो अपोजिट है वो ऑटोमेटिकली फिर रिडक्शन होता है, तो उससे क्या होता है, वो वास्तु की सिमेट्री बिगड़ जाती है। जब भी सिमेट्री बिगड़ जाती है तो उसका जो रिदम है एनर्जी का सर्कुलेशन है नेचुरली वो भी बिगड़ जाता है और उसका इफेक्ट है जो भी वहाँ पे रहते हैं उनको वो इफेक्ट डेफिनेटली दैट क्रिएट्स बैड इफेक्ट फॉर देम बिकॉज़ देयर इज एक्सेस इन वन एलिमेंट और अदर एलिमेंट एंड देयर इज लेसर और रिडक्शन इन एनी अदर एलिमेंट। जो जो एलिमेंट बढ़ गया है उसका अति हो जाता है, यू नो अति सर्वत्र वर्जन, तो वो अति हो जाता है और जो कम हो गया है उसका दैट एलिमेंट इज मिसिंग इन दैट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी एंड वास्तु,
से रिलेटेड जो भी है वो परिणाम नजर आए। ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस मैम। ओके, सो यू नीड टू इम्प्रूव योर ऑब्जर्वेशन स्किल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर। ओके, तो कल हमने देखा था कि प्लॉट्स के आजू बाजू में रोड कैसे होते हैं, प्लॉट्स का शेप कैसे होता है, और शेप बिगड़ जाता है तो नेचुरली उसका रिदम बिगड़ जाता है, एलिमेंट भी बिगड़ जाते हैं और वास्तु का वो परिणाम उसको और ठीक नहीं होता है। अभी हम आज देखते हैं कि कौन से डायरेक्शन जो है एक्सटेंशन और रिडक्शन का क्या इफेक्ट हो जाता है। तो सपोज अगर आप ही बताओ मुझे, यू नो नाउ व्हाट आर द फाइव एलिमेंट एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट्स एज वेल, कहाँ पे कौन सा होता है। तो सपोज अगर साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? कैन एनीवन टेल मी इन वेरी शॉर्ट? साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है दैट मींस ये अपोजिट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, और उसकी जो पैरेलल डायरेक्शन आती है वो नॉर्थ ईस्ट आती है। तो इफ यू ड्रॉ दैट यू कैन सी कि अगर साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है तो क्या होगा, कौन सा एलिमेंट बढ़ेगा साउथ ईस्ट में, कौन सा एलिमेंट? सिंपल बता। Anyone answer? ईस्ट में कौन सा एलिमेंट होता है और साउथ ईस्ट में कौन सा? स्टूडेंट्स अगर आंसर नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट बोल दो, एंड तुम लोगों को लास्ट लेक्चर का भी याद नहीं आ रहा है या फिर दो लेक्चर पहले का भी याद नहीं आ रहा है तो नहीं ले सकते ना लेक्चर, आगे ही नहीं बढ़ा सकते। सारी चीजें मैम नोट डाउन करने के लिए बोलती है, तुम लोग नोट डाउन भी करते हो, देन कुछ क्वेश्चन इमेजेस और पिक्चर्स भी भेजे हैं। एग्जैक्टली, नीड टू गो थ्रू ऑल दैट। और फूड फीडिंग नहीं हो सकता, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हो तुम लोग, ना कि केजी के स्टूडेंट। एग्जैक्ट, हर बार मुझे एकदम तुम लोगों से एकदम स्ट्रिक्टली बात करने के लिए मत बोलो, प्यार से बात करती हूँ, एटलीस्ट आंसर दे दो। कोई मुझे फाइव एलिमेंट्स बताएंगे, कोई भी बताना चलेगा, कोई भी बताओ कौन सी दिशा में कौन से एलिमेंट। एलिमेंट्स तो कॉर्नर में होते हैं, मुख्य दिशा में ऊर्जा होती है, एनर्जीज होते हैं मेन डायरेक्शन और एलिमेंट्स होते हैं कॉर्नर में। तो अगर हम चार भाग करते तो साउथ ईस्ट में कौन सा एलिमेंट आता है? एनीवन रिमेम्बर? फायर एलिमेंट। करेक्ट, तो इतना देर क्यों लगा दी? देखो एक बात मैं आपको बता दी, समझो अगर गलत भी हो गया डजंट मैटर, वहाँ पे आके मैं स्केल लेके आपको कुछ पनिश नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज यू आर नॉट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, राइट? जस्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, बिकॉज यू डोंट नो मी एंड एट द सेम टाइम आई डोंट नो यू ऑल, ठीक है? तो आपका जो है इंटेलेक्चुअल लेवल आई नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर नहीं आता है तो बोल दो कि मैडम हम लोग को याद नहीं है या फिर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। Is it clear? Yes, नहीं आता, याद नहीं आ रहा है तो भी you can tell me openly, ठीक है? तो साउथ ईस्ट में अगर अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो क्या होगा? इसका मतलब है ये जल तत्व कम हो गया, और साउथ ईस्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट और इसको पैरेलल है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। तो ये दोनों डायरेक्शन के एलिमेंट में फर्क पड़ता है, दैट मींस इसमें फायर एलिमेंट के रिलेटेड जो भी है वो इफेक्ट इसमें आ जाते हैं। इज इट क्लियर? ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा और इसको आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा, ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस
Yes or no? Yes. Yes, ma'am. तो जैसे साउथ ईस्ट में अगर ए करते तो उसमें क्या होता है, फायर एलिमेंट का जो संबंध होता है वो किससे होता है? एक तो किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस है, डाइजेस्टिव फायर। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों रिडक्शन है, दैट मींस नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट बढ़ गया है, दैट मींस पृथ्वी तत्व ज्यादा है और जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पे भी विंड एलिमेंट एयर एलिमेंट ज्यादा है और जल तत्व और अग्नि तत्व बिगड़ गया। उसका परिणाम क्या होगा? तो फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, कैश फ्लो नहीं आएगा। फर्स्ट नॉर्थ दिशा है वो पैसे की या चंद्र नाड़ी मून स्ट्रीमिंग की दिशा बोलते हैं जल तत्व की, और जो कैश फ्लो है वेल्थ क्रिएशन है वहाँ पे कैश फ्लो क्रिएट होता है और उसको बढ़ाने का या फिर उसको इन्वेस्ट करके रिटेन करने का काम जो है साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में होता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ रिडक्शन है, कट है, तो डेफिनेटली कैश फ्लो इफेक्ट होता है, वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। ओके, अभी नेक्स्ट आता है जो सपोज साउथ वेस्ट की कट है, तो जहाँ पे साउथ वेस्ट कट है तो वहाँ पे पृथ्वी तत्व मिसिंग है, और पृथ्वी तत्व मिसिंग मीन्स वो पृथ्वी तत्व का संबंध हमारे जो बोन्स है शरीर में या स्किन है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है और मेन जो हम जहाँ पे खड़े रहते हैं हमारा पूरा बैलेंस होता है वो मूल चक्र या हमारा जो कमर का जो पोर्शन है वो उस पर डिपेंड होता है। हम लोग उसी के उसकी वजह से बैलेंस करते हैं, तो वो पोर्शन में हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या स्थिर जीवन में नहीं रहता। बट वेन एवर देर इज एनी काइंड ऑफ साउथ वेस्ट या पृथ्वी तत्व मिसिंग है, क्लियर? तो इसको वैसे ड्राइंग में भी आप देख सकते हो, जस्ट यू सी द लेआउट ऑफ द हाउस एंड दैट डायरेक्शन इज मिसिंग, यू विल डेफिनेटली कम टू नो व्हाट प्रॉब्लम दे मस्ट बी फेसिंग इन देयर लाइफ। क्लियर, यस और नो? या अगर फास्ट हो रहा है तो मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ, थोड़ा यू कैन टेक डाउन कर। ओके, देन हम देखते हैं कि अगर नॉर्थ वेस्ट ज्यादा है, एक्सटेंडेड है, दैट मींस तो अपोजिट डायरेक्शन है, अगर साउथ ईस्ट में कट आता है, जैसे हमने पहले देखा था साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, अभी हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड है, तो ये इंसान क्या करता है? उसका एयर एलिमेंट, दैट मीन्स वो घर में स्थिर नहीं रहता है, वो ज्यादा उसका जॉब बाहर ही रहता है, मतलब घर ले लिया और वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड है तो डेफिनेटली वो ही कैन नॉट लिव इन दैट होम, ट्रांसफर हो जाती है, आउट ऑफ कंट्री हो जाता है या फिर एनी काइंड ऑफ इश्यूज दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द सिचुएशन, वो सिचुएशन है क्रिएट करते हैं। दूसरा, अगर साउथ नॉर्थ वेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है तो ये लड़कियों की बेटियों की दिशा होती है और वहाँ पे बेटियों को परेशानी हो जाती है, बेटियाँ डोमिनेंट हो जाती है, करियर ओरिएंटेड, और वो शादी करना नहीं चाहती है। दिस कैन बी सीन व्हेनेवर देयर इज अ नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन। ओके, देन देयर इज द नॉर्थ ईस्ट, अगर एक्सटेंशन है तो या नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, उनको पैसा यानी सुख लगता है, वो रिलेशनशिप है, हेल्थ है या फिर जो एक लाइफ में जो भी सुख होता है वो उनको प्रायोरिटी नहीं होती, दे जस्ट वांट टू एक्युमुलेट मोर एंड मोर। कि अगर गोल्स देखते हैं कि आपको इनको सुख किस में मिलता है कि एसेट बनाओ, वेल्थ क्रिएशन करो, और वो दिखाओ लोगों, दे बिकम हैप्पी, चलो मारुति ली, उसके बाद में फिर ऑडी ली, उसके बाद में मर्सिडीज ली, ऐसे टाइप के उनकी लाइफ स्टाइल होती है। तो ऐसे घर में रिलेशनशिप इश्यूज दिखाई देते हैं, बिकॉज वो जल तत्व बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है और बाकी जो नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है,
बाकी एलिमेंट रिडक्शन होता है उसमें, वो कम होता है. दैट इज व्हाई देयर इज इंबैलेंस इन देयर लाइफ अदर डायमेंशन, जैसे हेल्थ है, रिलेशन. क्लियर है ये पॉइंट? ओके, यस और नो? यस मैम. या नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ एक्सटेंशन है और वहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं है, तो ये फीमेल्स की दिशा होती है, चंद्र नाड़ी की दिशा होती है. और वहाँ पे अगर ये एक्सटेंशन है तो वहाँ पे वो घर में फीमेल्स की हेल्थ अच्छी है एज कम्पेयर टू मेल पर्सन. अभी नेक्स्ट आता है वो साउथवेस्ट कॉर्नर है. साउथवेस्ट कॉर्नर अगर उसमें अगर रिडक्शन है सपोज कट है, तो जैसे मैंने बताया कि उनका खर्चा बहुत ज्यादा है. सी जब भी नॉर्थ वेस्ट अगर एक्सटेंडेड होता है तो साउथ वेस्ट ऑटोमेटिकली रिडक्शन होता है. आप अगर ड्रॉ करके देखते हो तो ऐसे अगर में स्टेबिलिटीज के इश्यूज आते हैं और उनको कष्ट ज्यादा करना पड़ता है एज कम्पेयर टू का भी स्क्वायर है या सिमेट्री की अच्छी है, इनको ज्यादा स्ट्रगल. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. ओके, मैं कैमरा ऑफ कर कैमरा अभी आ रही है आवाज, ठीक से क्लियर है? हां. तो अगर साउथ वेस्ट अगर रिडक्शन है या फिर साउथ वेस्ट कॉर्नर कट है तो वो व्यक्ति एम्बिशियस. आवाज ब्रेक हो रहा है मैम, आवाज ब्रेक हो रहा है. अभी है आवाज आ रही है? यस मैम. हेलो मैम, आपका आवाज क्लियर आ रहा है. प्रोजेक्ट आपको कुछ प्रॉब्लम होगा? हां, यू जस्ट चेक योर आवाज. कोई इतना है तो भी कौन सा है कोणों आवाज येत नाही, त्यांनी त्यांचे हेडफोन चेक करा किंवा नेटवर्क का. येस, कारण की मॅमचा आवाज एकदम व्यवस्थित येतोय. स्टुडंट तुम्ही तुमचा नेटवर्क चेक करा. व्यवस्थित येतोय आवाज. ओके, सो व्हेन देयर इज अ कट इन द साउथ वेस्ट देयर इज अ स्टेबिलिटी इशू एंड हेल्थ इशूज रिलेटेड टू जो लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड इशूज होते हैं किसको? मेल फैमिली मेंबर. अच्छा, एक क्वेश्चन है, कोई बताएगा व्हाई इट इज सेड दैट ईस्ट साउथ या ये जो है इसको सूर्य नाड़ी या सन स्ट्रीमिंग की दिशाएं बोलते हैं और जो नॉर्थ है नॉर्थ वेस्ट है उसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, तो साउथ को सूर्य नाड़ी बोलते हैं और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, मून स्ट्रीमिंग बोलते हैं. ऐसा क्यों बोलते हैं, कोई लॉजिक बताएगा सोच के? दो मिनट रुकते हैं, आप सोच लो कि ऐसा क्यों. Why it is said that it is the sun streaming direction or not the moon streaming direction? कौन सी दिशा से होता है? East. Okay. और उसका travel कैसे होता है, जो कि sunset होता है तब कहाँ से कहाँ जाता है, कौन सी direction से जाता है? West. West में जाता है, लेकिन how? कहाँ से कहाँ तक जाता है? इससे इसके बाद में दिशा कौन सी है? अगर हम स्वस्तिक जैसे या क्लॉकवाइज देखते हैं तो इसके बाद में कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ. राइट हैंड साइड. साउथ. आप ड्रॉ करो, आप सारे डायरेक्शन से ना पेपर पे लिख दो. दो मिनट. लेफ्ट में वेस्ट है और नॉर्थ के पीछे साउथ. और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होती है, ईस्ट और साउथ के सेंटर में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के सेंटर में साउथ वेस्ट और वेस्ट और नॉर्थ के सेंटर में नॉर्थ. इसे सब ड्रॉ करो. फिर साउथ. हाँ, साउथ में जाता है. परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट. और उसके बाद में वहां पे वो सेट, वेस्ट में सेट होता है. राइट, साउथ वेस्ट में जाके
वेस्ट में जाके वो सनसेट हो जाता है. तो दैट मीन्स सन का जो स्ट्रीमिंग है या सन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है, ईस्ट से साउथ वेस्ट वेस्ट तक होती है, साउथ वेस्ट में ही होता है वो एक्चुअली थोड़ा सा उसके पीछे. इसके लिए इसको बोलते हैं सन स्ट्रीमिंग की दिशाएं है. ठीक है, और वहाँ पे अस होता है तो वेस्ट के बाद में जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट आता है उसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, क्योंकि वहाँ पे रात होती है, नाइट टाइम अंधेरा होता है और वहाँ पे सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर नहीं पहुँचती है और वहाँ पे चंद्र की ऊर्जा मिलती है या हम लोगों को. इसके लिए उसको बोलते हैं मून स्ट्रीमिंग. ठीक है, और मून स्ट्रीमिंग इज ऑलवेज रिलेटेड या कनेक्टेड विद द फीमेल्स और सन स्ट्रीमिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द मेल द फैमिली और इन द ऑन द अर्थ. ये समझ में आ गया पॉइंट? इसमें कुछ क्वेश्चन है तो आज दिस फ्रीली. हाँ बिल्कुल, नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछो, नो प्रॉब्लम. क्लियर है अभी? चाहे तो आप लिख लो, ये मैं 2 मिनट रुकती हूँ, अंडरस्टैंड याद रहेगा. आप लिखते हैं तो ध्यान में रहेगा. मैम आप फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, नहीं देखो कि ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन इट इज इसको सन स्ट्रीमिंग की डायरेक्शन बोलते हैं. इधर सन स्ट्रीमिंग सूर्य की ऊर्जा ये डायरेक्शन में होती है. व्हाई? बिकॉज सनलाइट इज देयर. और वेस्ट के बाद में आता है जो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट. यहाँ पे अंधेरा होता है, रात होती है और वहाँ पे चंद्र का प्रकाश हमें मिलता है. इसको मून स्ट्रीमिंग बोलते हैं. और वो फीमेल से रिलेटेड होता है. That means, ये दिशा में अगर कुछ दोष है तो मेल इतने अफेक्ट नहीं होंगे जितने फीमेल्स होंगे. और सन स्ट्रीमिंग या जो साउथ डायरेक्शन है वहाँ पे कुछ अगर इश्यूज होते हैं, दोष होते हैं तो मेल पर्संस अफेक्ट होते हैं. समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ अपना लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा. ये कुछ मैं नोट्स दे रही हूँ वो आप पढ़ो, पिक्चर्स से आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो अगर नॉर्थ वेस्ट सपोज रिडक्शन है, नॉर्थ वेस्ट कट है या वहाँ पे रोड है, और वहाँ पे रोड है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी या फ्रिक्शन क्रिएट होता है. तो इसमें जो घर की बेटियाँ हैं फीमेल से उनको प्रॉब्लम होता है. तो जो भी वेल्थ क्रिएट की है वो ऐसे ही निकल जाती है बिकॉज उसका वो रोटेशन या वेल्थ क्रिएशन का जो ये है वो पॉसिबल नहीं होता, इवेंट्स नहीं होते. तो अभी नेक्स्ट है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगर कट है तो सेम बेटियों को परेशानी होती है या वो घर में बेटी होती नहीं, ऐसा भी देखा गया. सिर्फ लड़के ही पैदा हो गए, लड़कों का ही जन्म हो गया और बेटियां है ही नहीं, या फिर कुछ घर में ऐसे ही देखा गया है कि उसमें फीमेल मेंबर है ही नहीं, ऐसा भी. तो यहाँ तक हमने ये सब कवर किया है. आगे मैं आपको एक टॉपिक बता दी, वो आप लिख लो सारा. कि जो हमारा जो शरीर है या वास्तु पुरुष है वो और वास्तु के जो देवता है उसका कहाँ पे संबंध आता है, वो मुझे आपको देना है. वास्तु पुरुष मंडल आपके पास है अभी? मैंने जो भेजा था वो देख सकते हैं आप. वास्तु पुरुष देखेंगे तो भी चलेगा कि इसमें जो भी देवता है उन,
उनका कौन से ऑर्गन से या कौन से शरीर की आवाज पुरुष के शरीर से कौन से भाग से जुड़ा है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट है वो ईश देवता है, वो हेड है वासु पुरुष का। ओके, फिर आपवत्स आप करके जो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आता है वो फेस एरिया है, हमारा भी फेस का ही होता है। फिर पृथ्वी द्रव एक है और अर्यमा देवता है, वो